तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज मैं देहरादून से रोडू जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो मैं ये स्कॉर्पियो के लिए, अपने स्कॉर्पियो के लिए टायर लेके जा रहा हूँ यहाँ से। ये पिछले कल रात को अप्रॉक्स, आज सुबह की बात समझ लो, सुबह 4-5 बजे मुझे कॉल आया डिलीवरी वाले का, जहाँ से मैंने टायर लिए थे। तो उसका कॉल आया तो उसने मुझे बोला कि भाई आपके टायर आ गए हैं, आप आके ले लो। तो मैं मॉर्निंग में सुबह निकल के ये सारे टायर लोड करा के अब मैं यहाँ से निकलूँगा फटाफट से रोडू के लिए, और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊंगा अब रोडू से। कुछ दिन के लिए मैं जब रोडू में रहूँगा तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब स्कॉर्पियो में बहुत सारा काम है भाई, वो पूरा कवर करूँगा मैं। सर्विस है स्कॉर्पियो में और ये टायर इंस्टॉलेशन सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो यहाँ से फटाफट से निकल के भाई अपने कजन को पिक करते हैं, और आज मेरे साथ मेरा कजन भी आएगा, उसको पिक करते हैं। निकलने का एक सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि ट्रैफिक बिल्कुल, आप देख ही सकते हो रोड इस टाइम में यहाँ पे कितनी खाली है। अगर ये ट्रैवल में दिन के टाइम करता तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती तो भाई आप समझ सकते हो जहाँ पे मुझे 6-7 आवर्स लगते घर तक पहुँचने में, वहाँ मुझे 8 घंटे लग जाते। तो सुबह निकलने का एक फ़ायदा तो है। अभी रास्ते में कहीं देखते हैं पेट्रोल पंप पे हवा भी चेक करवानी होती है भाई सुबह। बाकी चीज़ें तो मैंने चेक कर ही ली थी, जैसे अपना इंजन ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें, कूलेंट लेवल सब कुछ चेक हो गया था। बाकी सुबह का भाई नज़ारा देखिए आप, पूरा रोड खाली है। को लेने थोड़ा हाईवे से कट के, इन गलियों में रहता है वो, कहीं देखते हैं उसे फोन करते हैं। पीछे दिखी तो चुनू
क्या कहना चाहते हो आप? घर जाना चाहता हूँ मैं। जैसे फोन फोन हो गया इस साइड को, जहाँ तक मेरे को लगता है छोटे मोटे फोन फोन सारा फोन लगता। ये तेरी चक्राता रोड हो गई, विकास नगर चक्राता। इन गलियों में नहीं, आगे एक गली आती है उसमें पूरा गाड़ियों का काम होता है। एक तेरा उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं त्यागी रोड, उसमें पूरा गाड़ियों का काम होता है। अभी कहाँ पहुंचे हम, क्या लगता है तेरे को? चक्राता रोड पे ही चल रहे हैं भाई तब से। पहुंचने वाले हम जहाँ मैं सोच रहा हूँ, और हम पता कौन से रास्ते से निकल गए, लग गए मेरे को पता। नहर के ऊपर ऊपर से जाएंगे हम, अब नहर के बगल बगल से जाएंगे। उसी वाले रास्ते से आ गए जहाँ से मैंने बोला नहीं तो कट लिया था मैंने एक दिन पुलिस वाले जब थे, बस वही वाला कट है ये। अब जंगल के बीच में निकलेंगे हम, क्या मस्त लग रहा है यार। और यहाँ रुका था मैं जब मेरी एक बाइक छूटी थी, इधर रुका था मैं। अब याद आया मेरे को, यहाँ से याद आया मेरे को पूरा कि कौन सा रोड है ये। अब हम मिलेंगे आगे जो कट मैंने पहले बोला था ना, उस वाले कट वाले रोड पे मिलेंगे हम यहाँ से। अभी हम उसके बगल बगल से भी पहुंच गए हम NH707 पे, हिमाचल में भाई एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से मोटर से मैं कम से कम पाँच घंटे लगेंगे। और यहाँ से
से निकाला इस गाड़ी को। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है भाई, ऐसे ऐसे पैच अभी बहुत सारे हैं इस रोड में, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है गाड़ी को निकालना। रास्ते में आप व्यू देख सकते हो, अब हम पहाड़ों पे पहुंच गए। खुशी हो रही है भाई पहाड़ों पे पहुंचते ही। लास्ट टाइम भाई ये नदी आपने देखी होगी, लाल थी पूरी, आज ये पूरी की पूरी काली काली सी लग रही है। लास्ट टाइम तो पूरी लाल हो गई थी। ब्रेकफास्ट आ गया भाई, मस्त वाला ब्रेकफास्ट, पराठा, दही, पानी, चाय भी भाई। हम पहुंच गए अटार। गाड़ी की हालत आप देख सकते हो। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद भाई हम सीधा सीधा निकले, उसके बाद हम कहीं रुके नहीं क्योंकि रोड भी ख़राब था, बारिश होने के चांस भी थे उस साइड। अभी आप मौसम देख रहे हो, साइड तो बिल्कुल साफ है, तो अब सीधा आपसे मिलेंगे रोडों में। फाइनली गाइस आज रोडों पहुंच गया हूं मैं, तो मैंने अभी स्कॉर्पियो में ये टायर चढ़वाने थे, तो भाई मेरे को कोई भी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे मतलब इसके लिए कोई बंदा मशीन यूज़ करता हो, क्योंकि संडे है तो मैक्सिमम शॉप्स बंद है। संडे को सब कुछ भाई पूरा का पूरा बाजार बंद रहता है रोड का। सो गाइस फाइनली मैं अपने गांव के रोड में पहुंच ही गया हूं। आप देख सकते हैं पतली सी रोड, ये और आगे आप जो गाड़ी देख रही है ये मेरी है, इसी के लिए मैं टायर लेके आया हूं भाई। इसमें आप देख सकते हो पीछे एक टायर चौड़ा है, एक पतला है, उसका एक टायर पंचर हो गया जिसमें अलॉय लगा हुआ है, तो इस साइड का टायर जो है वो थोड़ा पतला है। लमसम 6 घंटे का रन है भाई, बहुत टाइम लग जाता है देहरादून से यहाँ तक आने में। तो आज व्लॉग मैंने थोड़ा शॉर्ट ही बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी भी पहुँचना था और रोड थोड़ा ख़राब भी था, बारिश भी होने वाली थी, तो मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था इस वजह से। तो यहाँ से भी भाई हम जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। आज पता नहीं भाई इस साइड से लेके जा रहे हैं, मैं तो इस साइड से कभी जाता नहीं हूँ। सो आजकल सेब सीजन भी लगा हुआ है, सेब तोड़ान चल रहा है, सेब तोड़ रहे हैं भाई, पैकिंग हो रही है, भर रहे हैं। देखते हैं भाई इस रोड से आ तो गया हूँ, इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं बहुत ख़राब है, उसमें मेरी गाड़ी नीचे लग जाती है ना, तो ट्राई करते हैं क्या सीन है। बाकी भाई एग्जॉस्ट की तो आवाज़ ही सुन के मज़ा आ जाता है। और कल भाई इस गाड़ी में टायर डालेंगे, इसका बहुत सारा काम है, वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगा भाई। इस गाड़ी में एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है स्कॉर्पियो में 5-6 साल बाद, जो बहुत मेजर काम मांगती है ये, क्योंकि इसका जो ड्राइव है भाई वो 70-80% पूरे कच्चे रोड में, ये हमेशा बहुत मतलब ऑफ रोड में ही ड्राइव होती है ये गाड़ी ना। तो देखते हैं कल इसमें कितना काम है, कल का व्लॉग देखना ना भूले भाई। तो बाकी मिलते हैं भाई अब घर पे पहुँच। सो गाइस ये है अपना गांव, यहाँ पे अपना गांव है भाई, तो मैं यहाँ से अपने घर पे मेरे भाई की बेटी है उसके लिए कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ।